हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट मथुरा में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मिसलिनियस एक्सरसाइज 11th क्लास का ट्राइगोनोमेट्री का। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में मिसलिनियस एक्सरसाइज को। ओके, देखें पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, टू कॉस पाई बाई 13 कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 इज इक्वल टू जीरो पुट करना है, प्रूव करना है सॉरी। तो देखें जब हमें जीरो पुट करना है तो मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, टेकिंग LHS। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर LHS ले लिया है और LHS लेने पर मुझे जो वैल्यू मिली वो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी इतना इक्वल में हमें जीरो प्रूव करना होगा। तो देखें मुझे यहाँ पर एक आइडेंटिटी मिल रही है, क्या, टू कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी। तो हम जानते हैं, वी नो दैट टू कॉस ए कॉस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ इसमें, देखें टू कॉस ए प्लस कॉस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस कॉस पाई बाई 10 पाई बाई 13 है ना प्लस कॉस 8 पाई, देखिए माइनस का 8 आएगा तो माइनस का 8 ऑलवेज प्लस का 8 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मुझे इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे यहाँ पर 13 13 मिल जाएगा दोनों वैल्यूओं से। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कॉस है ना कॉस 10 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13, ये हो गई एक वैल्यू, यानी कि 13 इन दोनों से मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर किया कॉस 8 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13, इन दोनों से मुझे 13 वैल्यू मिलेगा। देखें अब यहाँ पर आपको जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए कॉस की, कॉस सी प्लस कॉस डी वाली आइडेंटिटीज आपको हर हाल में आनी चाहिए। तो देखें कॉस सी प्लस कॉस डी की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, टू कॉस सी प्लस डी वाई टू, इन दोनों को ऐड करिए, टू कॉस सी प्लस डी वाई टू, यानी कि इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो ऐड करने पर जो वैल्यू मिली मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 10 और 3 को ऐड किया तो यहाँ पर 13 मिल जाएगा, क्या मिलेगा 13 पाई बाई 13 इंटू 2, ये मिल जाएगा कॉस, और कॉस माइनस तो ये माइनस का आएगा तो यहाँ से 7 मिलेगा, 7 पाई बाई 13 बाई 2, ओके यहाँ पर ये मिला। प्लस देखें यहाँ पर अब मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको देखिए कि एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस 2 आगे आएगा, कॉस यहाँ से क्या होगा कि आप यहाँ पर 13 पाई लगा सकते हैं, 13 पाई बाई 13 इंटू 2, ओके, और यहाँ पर आएगा कॉस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 पाई बाई 13 इंटू 2, ये वैल्यू आ गई। तो देखिए यहाँ पर भी 2 कॉस है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर देखें 13 से 13 कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पर भी 13 से 13 कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉस पाई बाई 2 को कॉमन ले लिया है, बाकी टर्मों को मैंने यहाँ रखा है अंदर ही, तो यहाँ पर बचा 2 कॉस 7 पाई बाई 26 प्लस 2 कॉस 13 पाई बाई 26, तो 13 से ये कैंसिल आउट हो सकता है, 13 नहीं है यहाँ पर 3 है भाई, नहीं 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा, ये इस तरीके से हो गया। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे कॉस पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, और जीरो का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही आता है, तो ये RHS हो गया आपका। तो इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हो चुका है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन का, तो हमें करना ये है सिंपल, सबसे पहले मैं टेकिंग LHS ये आप लिखना है, टेकिंग LHS। अब इसके बाद जो करना है वो देखिए, मैंने ये LHS यहाँ तक होगा, ये जीरो प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, इस साइन का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 3x साइन x, ओके, प्लस साइन स्क्वेयर x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस 3x कॉस x कॉस x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वेयर x, ओके, ये वाली बात हमें मिल जाएगी। जब हमें ये वाली बात मिल चुकी है तो देखें यहाँ साइन हो जाएगा इस वाले को और इस वाले को, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर किया साइन 3x साइन x प्लस कॉस 3x कॉस x, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वेयर x माइनस कॉस स्क्वेयर x, ओके, ये वाली बात हो जाएगी।
ठीक है। जब मैंने क्या किया, देखिए इस वाले पार्ट को मैं अगर ढंग से देखता हूँ ध्यान से देखने पर, और इस वाले पार्ट को भी ध्यान से देखने पर, तो दोनों आइडेंटिटीज मुझे मिल रही हैं। यहाँ पर होता है कॉस ए माइनस बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी का आइडेंटिटी होती है ये। कॉस ए माइनस बी की होती है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर देखिए ये आइडेंटिटी मिली मुझे किसकी, 3x माइनस एक्स का, ओके। और यहाँ पर मुझे यह जो आइडेंटिटी मिली वो मुझे क्या मिलेगी, प्लस का कॉस टू एक्स की, किसकी, कॉस टू एक्स की। देखिए कॉस टू एक्स की यही आइडेंटिटी मिली, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या है कि आइडेंटिटी जो होती है वो कॉस की, वो क्या होती है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये वाला टर्म जो है वो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब ये वाला टर्म माइनस का हो जाएगा तो देखें यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स, ये टू है भाई, टू एक्स कैंसिल आउट होगा तो आपका जीरो आ जाएगा, यही आपकी आर एच एस होगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। देखिए कॉस एक्स प्लस कॉस वाई यहाँ पर आपको दिया है और यहाँ पर दिया है साइन एक्स माइनस साइन वाई, ओके। तो मैंने क्या किया, टेकिंग एल एच एस, सबसे पहले आपको एल एच एस ही लेना है। एल एच एस जब आप ले लेंगे तो आपको ये करना है कि इस वाली फॉर्म में आपको एक आइडेंटिटीज लगा देनी है। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की आइडेंटिटीज होती है, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की आइडेंटिटीज होती है टू कॉस एक्स प्लस वाई वाई टू, और कॉस एक्स माइनस वाई वाई टू ये होती है ना। तो यहाँ से होल स्क्वेयर था, होल स्क्वेयर कर देंगे, प्लस साइन की लगा लेंगे। साइन की आइडेंटिटी जैसी लगाएंगे आप तो देखिए माइनस का है तो यहाँ पर होगा कॉस टू आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई वाई टू साइन एक्स माइनस वाई वाई टू, ये होती है आपकी साइन की आइडेंटिटीज। तो इसका होल स्क्वेयर आप कर देंगे, इसका होल स्क्वेयर कर देंगे। देखें जब मैंने इनका होल स्क्वेयर कर ही दिया है तो देखें इसका जब मैं होल स्क्वेयर खोलूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फोर, तो ये हो गया फोर फोर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस वाई वाई टू, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वाई वाई टू, प्लस यहाँ पर हो जाएगा फोर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस वाई वाई टू साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई वाई टू, ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपको करना यह है फोर कॉस स्क्वेयर एक्स, इसको कॉमन ले लेना है। जब मैंने यहाँ से क्या किया, फोर कॉस स्क्वेयर स्क्वेयर एक्स प्लस वाई वाई टू को मैंने कॉमन ले लिया है तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या रहेगी, कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वाई वाई टू और प्लस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई वाई टू की जो है आपकी फॉर्म बचेगी। तो देखिए ये हो गया कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, तो ये होता है वन, तो ये हो गया फोर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस वाई वाई टू इंटू वन, ओके। ये वाई है भाई, तो जब वन हो गया तो ये ही आपका आंसर होगा, फोर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस वाई वाई टू, दैट इज आंसर, या आर एच एस आप कह सकते हैं, यही आपको प्रूफ करना था, ओके। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, देखें इसमें यहाँ पर सीधा सा फंडा, टेकिंग एल एच एस, आपको करना यह है टेकिंग एल एच एस, आप एल एच एस को ले लीजिए, आपको एल एच एस ले लेना है और एल एच एस में ये आपको आइडेंटिटीज यहाँ पर लगा देनी है दोनों साइड में, और आइडेंटिटी जैसे ही लगाएंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगाई माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई वाई टू, और यहाँ पर साइन एक्स माइनस वाई वाई टू आएगा और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आप इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे तो टू यहाँ पर आएगा, देखिए टू कॉस टू टू कॉस एक्स प्लस वाई वाई टू, और यहाँ पर आएगा साइन एक्स माइनस वाई वाई टू का होल स्क्वायर। जैसे ही मैं इनके होल स्क्वायर्स को खोलता हूँ तो यहाँ पर आपको फोर मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई वाई टू, और यहाँ पर मिलेगा साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई वाई टू, प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा फोर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस वाई वाई टू, और यहाँ पर मिलेगा साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई वाई टू। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, फोर साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई वाई टू को कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी साइन स्क्वेयर एक्स प्लस वाई वाई टू, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस वाई वाई टू, ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी।
ये वाली वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको वन का वर्क कर रही है, यानी कि ये आइडेंटिटीज आपको वन को बिलोंग करेगी, तो ये हो जाएगा वन। ओके, अब देखेंगे आप, तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा एक्स माइनस फाइव बाई टू एच एस, यानी कि यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, इस प्रूफ तो ये था आपका पार्ट वन मिसलिनियस एक्सरसाइज का पार्ट वन। मैंने इसमें सारे क्वेश्चन इस वजह से नहीं लिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और वीडियो काफ़ी लंबी होने के बाद दिक्कत का विषय बन जाता है, तो इस वजह से मैंने इसे शॉर्ट पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी में करने का फैसला लिया था। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन करने से आपको प्रीवियस सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।